सभी के रिक्वेस्ट आ कि बोले सब्सक्राइब करें वा चैनल के नित्र कंडाल रखे हो मेरे ए माजी हेलो गाइस, मेरा नाम है रचित तोमर और आप मेरे साथ आज फिर से जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। आज हम जा रहे हैं चौपता HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से और आज चौरास कैंपस का छोटा सा व्यू मैंने आपको दिखाया और चौरास कैंपस के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं चौरास पुल पे और चौरास पुल के बाद हम जाएंगे सीधा, आपको पता ही है, चौपता पे, चौपता तुंगनाथ जी के पास जा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए और आपको दिखा दिया जाए कि भाई कैसा ये हमारा एडवेंचर है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ये HNB एक्टिविटी सेंटर और गेस्ट हाउस और ये है चौरास का मेन पुल और यहाँ पर हमारे साथ वाले रुके हुए हैं पीयूष के लिए, जो कि मेरा रूममेट है और वो आ रहा है सिमरन को लेके, उसके बाद हम सीधा जाएंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप आपको देखते रहिए। तब तक के लिए आप इन पहाड़ियों का आनंद लीजिए जो कि बहुत सुंदर है। तो ये है मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने वाला पेट्रोल पंप और यहाँ से हम अभी पेट्रोल भरा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 7:05 और जो तारीख है वो है आज 28 मार्च। तो देखिए, सो यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट और अब हम जा रहे हैं चौपता तुंगनाथ। जय माँ धारी देवी, ये हमारा सेकंड स्टॉप है और यहाँ पे हम माँ धारी देवी के लिए रुके हैं। लेवल आज पानी का कम है, काफ़ी कम है। हम माँ धारी देवी के दर्शन हो गए हैं, हमारे सिद्ध हो गए हैं हमारी। ये है दो पोपट, तो सुबह के बज गए हैं 8 और हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग। वाओ, चलो क्या राइम मारी है। चलो 8 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और अब हम जाएंगे रुद्रप्रयाग से आगे। हमने सोचा कि कहीं होटल वोटल में रुके, खाना वाना खा लिया जाए या थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए। इसके साथ साथ हमें हाथ मुँह धोने थे और थोड़ा वॉशरूम भी जाना था। तो हम रुके हुए हैं और अभी हम खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे और उसके बाद हम आपका आगे का सफ़र देखेंगे। तो चैनल में बने रहिए और मेरे व्लॉग में भी बने रहिए, बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, प्लीज़ कीजिए। अरे जिससे यार मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिले। तो बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये है एक होटल टाइप ढाबा है और यहाँ हम खाएंगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ आज का मेन जो पर्सन है, बर्थडे बॉय अमित। अमित ये है बर्थडे बॉय पीयूष। हेलो रोहित, अगर इस जगह मेरा गांव होता ना
भाई मैं कहीं नहीं जाता, कितना सुंदर लग रहा है। शूट करने में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं मेरे ही दोस्त का, मेरे प्रिय मित्र का, मेरे जान वाले मित्र का, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का तो विशांत है, दूसरे नंबर के जान वाले मित्र का फ़ोन गिर चुका है और गिरने के बाद उसकी स्क्रीन चटक गई है, जो कि बहुत दुख वाली बात है, बट तब भी हमारे को डर है। आ जाइए, और बस इसीलिए थोड़ा सा शूट कम कर पा रहा हूँ मैं, बट आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं, एक से बढ़कर एक सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो बने रहिए। ब्रास के फूल है, ब्रास ही ब्रास है। फ्यूचर से बात करी? हाँ, फ्यूचर से। किससे? फ्यूचर से बात करी। फ्यूचर से बात कर, अभी फोन कर रहा था, विमल कर रहा, विमल कर रहा था, आवाज़ नहीं आ रही। अरे ऊपर जाने का रास्ता है ना, थोड़ा इसलिए हो रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री तुंगेश्वर नाथ टेम्पल। तुंगनाथ को तुंगेश्वर नाथ कहते हैं, पता है? तुंगेश्वर बोलते हैं ये तुंगनाथ। और अब हम जाएंगे, ये है साथ के, और जस्ट अभी पहुंचे हैं हम। तो लीजिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल, और अब मतलब तुंगनाथ पहुंच चुके हैं हम, चौक तक पहुंच चुके हैं, और अब हम जाएंगे श्री तुंगनाथ टेम्पल। और यही एक्सपीरियंस जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा है, कैसे कैसे आ रहे हैं। आपको काफ़ी सारी रोड दिखाई, काफ़ी चीज़ें शूट नहीं भी कर पाए, एक डर बैठ गया था कि कहीं हमारा भी ना हो जाए, टूट जाए फ़ोन, ठीक है। बाकी आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ दिखाऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आखिर तक। और मैं आपको दिखाऊंगा बुरांस के फूल, देखिए उत्तराखंड की शान, बुरांस के फूल। बुरांस का जूस भी बनता है अगर आपने सुना होगा, और ये फूल उत्तराखंड की शान है, मतलब उत्तराखंडियों को बुरांस के नाम से, बुरांसी से क्या आते भी जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट टी बुरांस के फूल है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारे बुरांस के फूल दिखाए मैंने आपको, तो यही है एक प्लेस जहाँ आपको उप्स बात इन चाहिए कि अब हम यक पहुँचे चंद, और अब थोड़ी देर बटी हम मूड़ी मथी भी जाला, और मथी जाने के बाद भी दिखा लो तुम दबटी कि कन कन होलू, कन क्या होना चंद। और अभी अभी जस्ट अभी अभी मैं मैंने तो बताया कि कन कन हम यक पहुँचन, और अपड़ू अपड़ू दोस्त बटी मी यक चंद, आज अमित को बर्थडे चा, और तब मीन सोची कि मैं एक ये यख प्ले मतलब इस जगह जगह में आया छन, और अब मैं तेरे सब कुछ दिखाला, सब कुछ दिखाला, और बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर ला, तब मजे कर लेते हैं। चल ठीक चा, बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जर्नी, और फिर यहाँ हमें ट्रैक करना है, धीरे धीरे करके करेंगे। अब ये सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये सब हमारे साथ वाले। चल चल, कुछ कहना चाहला सब्सक्राइब है? अच्छा ढोको, अच्छा और कुछ कहना चाहोगे आप? बोला और क्या करेंगे, अभी चल रहे हैं। हाँ अभी टाइम लगेगा। देखिए ये कितने सुंदर सुंदर बुरांस के फूल, दिस सीन इज सो ब्यूटीफुल। वैसे तो हम जैसे ट्रैकिंग कर ही रहे, इतना ज़्यादा नहीं है ट्रैकिंग का,
ठीक ही लग रहा है, बट मेन चीज़ ये है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में है, तो हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है कि इंसान की सांस फूलती है, तो बस सांस फूल रही है और थकान इसलिए हो रही है। बाकी सही लग रहा है, इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है पर सही, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में इसे थकान बढ़ रही है धीरे धीरे करके। बाकी ये है विकास। हाय गाइस, आज हम लोग आए तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने, बड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे थकान तो सबको हो रही है, लेकिन हाँ महादेव की कृपा से सब बढ़िया है। देखिए ये थे विकास के रिव्यू। नाउ दिस इज सो कूल। सो गाइस देखिए ये व्यू है यहाँ से हिमालय पर्वत का, जो कार्तिक स्वामी से भी मैंने आपको दिखाया था और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। हाँ चौखंबा भी तो हिमालय के अंदर ही आता है। हाँ चौखंबा पीक है। हाँ सो सीधी से गाइस ये है चौखंबा पीक। चौखंबा चौखंबा चौकटी वाला वो है ना? ना वो दूसरा है। दूसरा अच्छा अच्छा। और आपको एक सुंदर दृश्य पहाड़ी देखने को मिलेगी, जो कि आप अपनी सुंदर सुंदर आँखों से देख सकते हो। बाकी आपको इतना सुंदर आपको जो दृश्य दिख रहा है ये आपको सिर्फ यहीं पे दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में। और थोड़ी थोड़ी बर्फ आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी। प्यारा डॉगी। धीरे धीरे करके जैसे कि हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, ट्रैक थोड़ा सा आसान से मुश्किल होते जा रहा है। धीरे धीरे करके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और बर्फ़ भी बढ़ती जा रही है, इसके अलावा थकान हो रही है। और बस ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो सब फेस करते हो आई गेस, और हम भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हल्की हल्की महसूस हो रही है कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। बाकी जो बर्फ़ है उसमें पैर फिसलते हैं, तो नीचे डंडियाँ होती है, 50 रुपये की एक डंडी मिलती है और जूते भी आपको नीचे से ही मिल जाते हैं। अगर आपको ऊपर चंद्रशिला में जाना है तो आप प्लीज़ वो बाय करिए, और नहीं जाना तो आप फिर अपने जूतों में जैसे आप आए हो वैसे चल सकते हो। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है यहाँ पे तो ये छोटी छोटी हट्स बहुत काम आती हैं। यहाँ पे हट होती है और यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, अंदर आग वाग लगाते हैं और थोड़ा गर्म हो जाते हैं। तो छोटी छोटी हट्स यहाँ चेक छोटे छोटे चेक पॉइंट्स पे बनाई गई है। इसके अलावा जो लोग नहीं बैठते वो डायरेक्ट ऊपर चल जाते हैं, ऊपर से इन द सेंस टॉप की पहाड़ी पे। अभी तो ट्रैकिंग में मैं आपको यही दिखा सकता हूँ कि यहाँ से हम आ रहे हैं और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया ट्रैक करते हुए, 20-25 मिनट और बचे हैं। तो गाइज हम चलते जा रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। मैं अपनी आंखों के सामने से देख रहा हूं बाबा तुंगनाथ का मंदिर और हम पहुंच जाएंगे, मतलब हम पहुंच जाएंगे यार, जस्ट 2-10-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और स्लो एंड स्टडी चलो जैसे मैं चल रहा हूं, रुको मत, पूरा ट्रैक कवर करो, स्लो एंड स्टडी चलो और आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब आप अपनी कंपनी भी इंजॉय कर सकते हो, यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी। अगर कोई आपके साथ है या नहीं है, आप अपनी कंपनी इंजॉय करो और चलते जाओ। बाकी बाबा तुंगनाथ हम सब के साथ हैं, तो ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो। अपनी कंपनी इंजॉय करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप चलते जाओ और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देखते रहो। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ों में सुंदर सी बर्फ़ की चादर ढकी हुई है। हम नीचे से ऊपर तक पहुँच चुके हैं और मज़ा आएगा आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस देखते रहिए, चलते रहिए सुंदर सुंदर पहाड़ों में, इस मस्त मौसम में, मस्त मौलाना मौसम, पता नहीं क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि मस्त मौलाना मौसम के साथ यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप बाहर से हो तो आप ज़रूर आइए। दो वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम उत्तराखंड में आए वाले हैं, तो हम यहाँ साल में एक बार तो आ ही जाते हैं, बट आप लोग आओ आपको बहुत मज़ा आएगा।
हर छोटे छोटे पॉइंट में, हर छोटे छोटे चेक पॉइंट में आपको हट दिखेगी, छोटी छोटी हट्स हैं और यहाँ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। फोटो के साथ साथ यहाँ आप बैठ सकते हो, जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ आप बैठ सकते हो और मज़े कर सकते हो। बाकी आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे कि गांव गांव में छोटे छोटे मंदिर ही होते हैं, यहाँ पे भी एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर। अब ये किसी का मंदिर पर्सनली होगा या फिर कैसा मुझे भी नहीं पता, बट है एक मंदिर तो है। फाइनली मैं तो ऊपर पहुंच चुका हूं, साथ वाले अभी पीछे रह गए हैं और दो चार साथ वाले पहले ही ऊपर पहुंच गए थे, तो मैं भी ऊपर पहुंच चुका हूं और ऊपर बहुत ठंडा है। अभी इतनी धूप में भी यहां पे ठंडी हवाएं चल रही है और ट्रैक तो हो ही रहा है। बस दो मिनट में मैं आपको दिखाऊँगा श्री 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 तुंगनाथ जी। ट्रैकिंग भी हुई, मज़ा भी आया और ठंडी हवा भी चल रही है और इन ठंडी हवाओं में दिमाग बहुत शांत हो रहा है। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का मेरे पीछे का व्यू है और सीरियसली बोलो तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब पहले मुझे लगता था साथ वाले होंगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बट लिटरली मैं अपनी ओन कंपनी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। सीरियसली आप आइए यहाँ पे, मज़े कीजिए। ये वॉशरूम, ऊपर जाने से पहले आप यहाँ वॉशरूम जा सकते हो, वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। सांस फुल जाती है जब आप ट्रैकिंग करते हो, पर अगर सांस नहीं फूलेगी तो ट्रैकिंग का मज़ा ही क्या। फाइनली वहाँ से चढ़ाई चढ़ गई, अब हम चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ। और बहुत देर से मैं आपको बोल रहा हूँ दो मिनट, बट अब सीरियसली दो मिनट में हम ऊपर पहुँच जाएंगे। यह है बोर्ड, यहाँ से चंद्रशिला 1 किलोमीटर और यहाँ से तुंगनाथ जी। वहाँ से मैं आया और सीरियसली बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ है, मैं 4 बार फिसलते बचा बट बच गया। आइए देखिए, शिव कैलाशों के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरण, जय बाबा तुंगनाथ शंकर संग कट हरणा, एक फाइनली ओम नमः शिवाय। आपके सामने श्री तुंगनाथ जी टेम्पल, चढ़ जाओ अंदर दर्शन कर जाओ, थोड़े ऊपर तक जाओ, नेटवर्क जेटवर्क आ जाएंगे, घर पे वीडियो कॉल कर दो भैया। आखिरी शिव जी का मंदिर है दुनिया में सबसे ऊंचा, फिर कैलाश मानसरोवर। यहाँ से बर्फ, स्मार्टी बॉय थक चुका है, स्मार्टी बॉय रिजिक हाथ जोड़, वेरी गुड। यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, श्री 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 तुंगनाथ जी। ये है श्री तुंगनाथ जी महाराज का मंदिर, जो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे मतलब सबसे ऊंचाई पे जो शिव जी का मंदिर है वो यही है। और यहाँ के हमारे सारे दोस्त कुछ आके फ़ोटो खिंचाते हुए आप देखिए, और इसके आस पड़ोस में पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ और ख़तरनाक धूप। हम वहाँ से आए और मैं वहाँ 10 बार फिसला और बस यही है।
यार मेरा यहाँ की ना मैंने चला ये बाबा तुमने जैसे कि आपको दिखाया मैंने, ये है मंदिर और ये है त्रिशूल। आज अब पीयूष जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये ट्रैक है चंद्रशिला का ट्रैक और ऐसा कहते हैं कि 1 किलोमीटर है बट थोड़ा कितने परसेंट भाई सब भैया रहा मेरा नीचे मिश्रा भैया हटो मिश्रा भैया हटो यार जल्दी तुम दूसरे कटा रहे हो भैया सब डिस्टर्ब हो रहे हैं ले 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आजा सिमी आ गए आ गए आ गए रास्ता क्लियर कर रहे रचित अरे रोहित यार वजन ज्यादा हो गया तेरा नहीं आ रहा है आजा आजा पीयूष आजा आजा पीयूष आजा अबे नहीं होगा आगे से खींचना गया 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 बन रहा है बन रहा है हेलो हाँ ले कर ले जय बाबा तुंगनाथ हर हर महादेव The Valley of Pink Flower. Amit, Har Har Mahadev. Har
कर दे। ये है तुंगनाथ का सबसे हाईएस्ट पीक चंद्रशिला, यहाँ पे गंगा मैया की पूजा की जाती है। ये यहाँ पे आपको द ग्रेट हिमालयस दिख रहे होंगे, लोगों ने अपने घर बनाए हैं, अपनी मन्नत मांगी है। इस साइड तो पूरी खाई है और रास्ता बिल्कुल पतला सा है, वो कुछ लोग पूजा वूजा कर रहे हैं। ये देखो द ग्रेट हिमालयस, टेक अ लुक, जन्नत। दीज आर द टू विद मी, बाकी सब तो नीचे रुक गए, बस यही। ये आकाश कुंड कुंडी है, यहाँ पानी होता है, यहाँ से लग जल भरते हैं। आकाश कुंड, और अब हम एक्सक्यूज मी यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, मेन चीज़ यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है। आप व्यू देखते हो, हम नीचे से आए और नीचे से हम ट्रैक करते करते आए। कुछ लोग यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी ले सकते हैं, जो इतना घूम के ना जाना पाए वो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता ले सकते हैं। बाकी ट्रैकिंग अच्छी चल रही है और शायद उमर, अमित और ऊपर पहुँच चुके हैं। हम थोड़ा स्लो और स्टडी चल रहे थे इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए, पर अधिकतर सब हैं यहाँ पे। This is so awesome. मम्मा पहुँचेंगे। ये दृश्य है। बस रोहित पेट्रोल एम्प्टी पे पहुंच गया। एम्प्टी पहुंच गया। हाँ तो मेरा आधा है यार। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है तो मजा तो आएगा। चलो 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 बैठ जाओ। वही तो बोलो कितना सुंदर नहीं है। बुरांसी झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे बना, बल्कि रे आंसू बने रह जाए मेरे निशान, फिकर मेरे हम नफा यार बर्फ। आप देख सकते हो कम कम दिख रही है पर बर्फ है। तुम लोग करो, मेरे ऊपर मत डालना। पत्थरों का नाम मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। अरे कपड़ों में गया ये तो यार। ये सुंदर सुंदर दृश्य और हम घर की तरफ जाते हुए HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी चौरास कैंपस। तो ये था मेरा व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया चोपता वैली, चोपता कैसा है, तुंगनाथ जी कैसे हैं, कहाँ है और क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे रास्ता है, रास्ता बढ़िया है। और यही था, बहुत मस्ती की, हम लोगों ने मज़े किए। और वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करो और मेरी आगे वाली वीडियोज़ देखते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।